हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस? आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रिजन सिमुलेटर। तो गाइस, फाइनली आज हमें एक नया टास्क मिला है जो कि है कैंटीन का रूटीन। एंड आपको याद होगा कि कुछ एपिसोड पहले हमने एक बंदे के खाने में जमाल घोटा मिलाने का पैसा दिया था उस शेफ को, एंड ताकि उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए एंड उससे बदला ले ले वो बंदा। तो लंबी कहानी है, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग चलते हैं कैंटीन की तरफ एंड अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। ओके, ये गए हम अंदर कैंटीन में एंड ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? तो बेसिकली यहाँ पे भी सारी वही चीजें जो यार्ड में होती है, इनको हमें काफी टाइम के लिए रखना होगा एंड ज्यादा देर रहेंगे ये लोग तो रिस्पेक्ट बढ़ेगा भाई, और क्या। एंड लड़ाई के लिए या फिर फायर के लिए देखते रहना पड़ेगा भाई कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सीधी सी बात। हाँ भैया, लाइन में चलने का। हाँ, सीधा सीधा चलो, अपने अपनी थाली उठा लो भैया, काम हो गया ना हमारा। अरे ये तो बंदा ही बदल गया भाई, माया। क्या लिख रहे हो बंदे भाई? Keep order, react to any outburst. All right. वो वैसे इसी बंदे ने बोला था ना अपने को उसके खाने में मिलाने के लिए। Take reward from Leo. Okay. अच्छा, कौन है food poisoning वाला? मैंने तो देखा ही नहीं। चलो, पेमेंट तो मिल गई। ट्रेवर, ओ अपन ट्रेवर, अपन ने ट्रेवर को, ये क्या हो रहा है? What? हेलो भैया, ये क्या हो रहा है? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कैंसल ड्यू टू रैंडम रीजन, टॉक टू द प्रिजनर हु इज गिविंग आउट फूड। वो हेलो भैया, ओ चचा, ये क्या हुआ? सब नाचने क्यों लगे हैं? Some goo, overcooked vegetables and some meat-looking stuff. Meat-looking stuff? Okay, and I think chef ने कुछ गड़बड़ की है भाई, कुछ गड़बड़ की है। ये है Jim Jones, are you in charge here? You got a problem? अरे बाहर देखो भाई, सब नाच रहे हैं। ड्रग्स मिला दिए क्या? ओके, चलो किचन क्रू से बात करते हैं, देखते हैं उन्हें कुछ गड़बड़ तो नहीं मिलाया। हेलो भैया, आपने खाना बनाया आज का? तो उसमें डाला क्या? ओके, स्पाइसेस देखने पड़ेंगे अपने को, इसने कुछ कुछ स्पाइसेस मिलाए थे। अरे मुक्का क्यों निकाल रहा है भाई, इतना भी वो नहीं होना है। रॉबर्ट भैया, आपने भी हेल्प की थी ना? अच्छा, आप खाली साफ सफाई करते हो। ओके, ऑल राइट। वेयर इज पीटर? ये रहा पीटर। खाना क्या बनाया आपने? अच्छा, ये एक से बर्तन धोता है। ओके, आई डोंट टच द फूड। ऑल राइट, टॉक टू किचन क्रू, ये तो काम हो गया अपना। सर्च द किचन थोरली। ऑल राइट, तो गाइस अभी किचन में देखना है कि कुछ गड़बड़ चीजें तो नहीं मिलाई इनने, जहां तक मेरे को देख के लग रहा है कि नहीं मिलाई है, बट कुछ तो रीजन होगा। एक भाई मेरे पीछे कौन घूम रहा है? व्हाट इज दिस लीव्स? ये तो अजीब सा कुछ लीव्स लग रहे हैं। टॉक टू द कुक, ओ ये रहा कुक। कैसे, ये क्या है भैया? Bay leaves, I think. They don't smell like it. Maybe the chef ordered the cheap ones. अरे भाई, bay leaf की जगह उन्होंने कुछ और मिला दिया। Illegal है लगता है। कुछ ऐसा substance है उसके अंदर। देखते हैं, वापस chef से बात करते हैं। You again, tell me, where did you get these leaves? What leaves? अरे ये leaves. ये बोल रहा है कि इसने नहीं मंगाया भाई। क्या सब कौन झूठ बोल रहा है हमें, हैं? चलो, इधर तो अलग ही कांड हो रहे हैं भाई, लेकिन क्या है भाई? टॉक टू ब्रूस कोवल्स्की। हेलो भैया, क्या चल रहा है? डांस कर रहे हो? ओ अपन इससे पूछ रहे हैं कि वो लीव्स क्या है, देखते हैं। डैम, दिस इज कोका, कोका लीव्स। हाउ डिड यू गेट देम? डिड यू कॉन्फिस्केट देम फ्रॉम समवन? आई थिंक ओके, ऐसे नशा चढ़ जाता है भाई। देर एविडेंस है भाई, अभी सेल नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ओके ब्रूस से बात करते हैं। कोका लीव्स कहां से आ गया? ओ इस बंदे को पता था कि कोका लीव्स है, ये तब भी लेके आ गया और मजे के लिए इसने डाल दिया अंदर। किसने दिया तेरे को? फ्रॉम मारियो ग्रिफिन। अरे भाई, ये तो प्रिजन गार्ड है एक। ओ माय गॉड, ये ब्रूस कहां है मिलेगा? वेयर इज ब्रूस? ओके ये रहा, वापस ब्रूस से बात करते हैं अपन। At the time they serve it, I come to home, I'm about to turn it soon.
ओ अपन लगता है सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन पे जा रहे हैं, अपन इससे एक वीडियो कैमरा मंगा रहे हैं। None of your business. कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। अरे पैसा बहुत है, $300। ओ भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम। ओके प्रिजन यार्ड में चलते हैं, क्या पता अपने को वहीं पे ब्रूस कोवल्स्की मिल जाए। ब्रूस है कहाँ भाई? आई डोंट नो, टॉक टू ब्रूस कोवल्स्की। मेरे को तो मिल भी नहीं रहा। आई थिंक अपने को सेल ब्लॉक में जाके वापस देखना पड़ेगा उसको। ओ ये रहा ब्रूस। यू कुडंट बी एनी स्लोअर कुड यू? इसने अपने को कुछ काम दिया था, आई थिंक, मेरे को याद भी नहीं है क्या काम दिया था इसने। अरे चचा भागो। भैया बचाओ। अरे भाई बचाओ। इनकी लड़ाई करा दी हमने, हम अब बीच में पड़ेंगे नहीं। उसका कट गया भाई, कट गया भाई साहब का कट गया। बहुत बड़ा सी कटा है उसका। हेलो भैया, कुछ माल एक्सचेंज करोगे क्या? हमारे पास इलीगल आइटम है, हमारे पास सिरिंज है, ये लो ले लो, फ्री की ले लो एक, ठीक है, थैंक यू। चलो एटलीस्ट वो तो बढ़ गया। आपको क्या दिक्कत है? ओके आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये को हम मारपीट हो रही है भाई इधर। चलो बास्केटबॉल खेलेंगे हम, कैसे देखना चाहोगे कितना बढ़िया हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। ये देखो ये बो ये देखो। अरे पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। मार मार मार। हाँ मार। इनके बीच ही लड़ाई करा तो जा रहे बेचारे। अरे यार शिट। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं अपने वार्डन के रूम में एंड यहाँ से कुछ कुछ अपग्रेड्स खरीदते हैं अपने प्रिजन के लिए। अपने पास पैसा काफी सारा हो चुका है मेरे ख्याल से, तो अपन खरीद पाएंगे। मैं शावर देख लेता हूँ भाई। शावर $1,000 का है यार, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वर्कशॉप में अपन कुछ खरीद सकते हैं। ये अपग्रेड करने से तो प्रिजन का वो कुछ बढ़ेगा नहीं। ओके अपन रेडियो खरीद लेते हैं भाई। आई थिंक पिछली बार मैं खरीदना चाह रहा था लेकिन अपने पास पैसे नहीं बचे थे, तो इससे ये होगा कि जब भी वो लोग शावर करने आएंगे एंड अगर शावर फुल रहेगा तो वो आराम से वेट करेंगे एंड पेशेंट रहेंगे भाई। तो अपन खरीद लेते हैं, $800 का है ये और 1% रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा भाई। लेट्स गो। नाइस, यहाँ पर टॉप पे हमने रेडियो लगा दिया है, अब मस्त लोग गाने सुनते रहेंगे। अभी अब ज्यादा कुछ खरीदने को है नहीं। मे बी मैं अपने लिए एक टेजर ले लेता हूँ भाई, लेकिन $400 का है यार, और अभी अपने को $300 का कैमरा भी खरीदना है। मैं अभी टेजर पे रुकता हूँ भाई थोड़ा। अभी मेरे को जाके ना स्किल अपग्रेड करना है अपना। तो यहाँ पे अपन गए गार्ड्स रूम के अंदर एंड ये अंकल से बात करते हैं। चलो तो यहाँ से भाई मैं देख लेता हूँ, अपने को स्टैमिना वाला स्किल चाहिए यार। स्टैमिना बहुत जल्दी कम हो जाता है इस बंदे का, तो स्टैमिना। अपने पास स्किल पॉइंट भी है, पैसा भी है, लेट्स गो खरीद लेते हैं। थैंक यू। ओ अपन एक और लेवल बढ़ा सकते हैं भाई, क्या बात है। इंक्रीज प्लेयर स्पीड बाय 10%। ऑल राइट, आई थिंक ये सही रहेगा। प्लेयर स्पीड बढ़ जाएगी अपनी तो बढ़िया रहेगा। इंक्रीज प्लेयर डैमेज, इंक्रीज डिफेंस बाय 20%। अपने पास पैसा कितना है यार? अपने पास आई थिंक पैसा कम हो रहा है। ओके अपन ने कुछ कुछ स्किल खरीद ली है, जैसे स्टैमिना वाली और स्पीड बढ़ाने के लिए। वैसे इस पे साइन क्यों आ रहा है? क्या हुआ सर, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? आई लॉस्ट बुक, क्यूड यू फाइंड इट फॉर मी? आई विल गिव यू $50। यस थैंक यू, यू गॉट फाइंड इट टुडे। फाइंड बुक, इसकी बुक मिलेगी कहाँ? लेकिन ये मैं कैसे जानूं? Many hours later. ओ भाई साहब, हमने प्रिजन पूरा दो बार ढूंढ लिया भाई एंड देखो बुक कहाँ मिली। ये पढ़ी हुई है बुक। चलो थैंक यू, अब जाके मैट मिलर को ये बुक दे देनी है। एंड आई थिंक वो कैंटीन में था, मेरे को याद नहीं है किधर है वो बंदा, देखना पड़ेगा। ओ नहीं वो तो गार्ड्स रूम में, हाँ हाँ गार्ड्स रूम में था। किधर गए भैया? हाँ ये लो आपकी बुक मिल गई। यस थैंक यू, $50 भी मिल गया अपने को, वेरी नाइस। अब जाके अपन अपना टाइम स्किप करते हैं। चलो शावर वाली ड्यूटी फिर से आ गई है अपनी एंड इस बार अपन ने शावर तो रिपेयर कर दिया है, तो अपना अच्छा जाएगा टाइम। सबसे पहले किसको दे, इसको देते हैं और इसको देते हैं और आई डोंट नो इसको देते हैं। चलो ये तीनों बहुत वो लग रहे थे, एजिटेटेड, तो इन तीनों को दे दिया है अपन ने, बस वेट करना है। वैसे यहाँ गाना बज रहा है तो टेंशन मत लो, हैं
हाँ आराम से भाई गाना वाना सुनो और चाय वाय पियो इधर मस्त, आपके लिए अब भी रेडी हो जाएगा शावर। आई थिंक ये दो खरीदने पड़ेंगे अपने को, जल्दी जल्दी पैसा करना पड़ेगा भाई, प्रिजन मनी इतना है नहीं अपने पास अभी, नहीं तो तुरंत अपन ले लेते हैं। इनने भी शावर डैमेज कर दिया, वेरी नाइस। चलो दो लोग हैं अभी तो, वैसे अपने को रिपेयर करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैं रिपेयर कर देता हूँ ये शावर, नहीं तो बाद में अपने को दिक्कत होगी। ये लोग पता नहीं शावर में क्या डाल देते हैं ये लोग। अरे ये कैंडी कौन डाल, सिगरेट कौन छुपा दिया है भाई, वाह। चलो और ये नेल कौन डाल देता है, बदमाशी करते हैं भाई ये लोग एकदम तंग करके रखा हुआ है। वैसे अपना दिन खत्म हो चुका है तो अपन चलते हैं एंड गार्ड से बात करते हैं और एंड करते हैं भाई। अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं भाई ये अपना जूलियन कोवल्स्की का कैमरा लाने के लिए, पता नहीं कितने दिन लगेंगे इसको कैमरा लाने में। अपन जब तक बाकी टास्क करते हैं, आज अपने को सेल की चेकिंग करनी है, ज्यादा कुछ खास होगा नहीं मेरे ख्याल से, बट देखते हैं शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए इस बार। 5 minutes later, clean भाई, everyone is clean, 1% भी कुछ नहीं मिला। तो गाइस हमारा कैमरा फाइनली आ चुका है एंड अभी हम लोग आए हैं वर्कशॉप में भाई, तो होपफुली मैं इसको सही चीज दे पाऊं जिससे अपन इससे सिक्लूडेड पोजीशन में बात कर पाए। आई डोंट नो, इसको अपन देते हैं हैमर। अरे हैमर नहीं देना था, ये तो सामने ही रहेगा भाई। ओके कोई बात नहीं, चलो अपन कैसे भी उससे कैमरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी सब काम पे जाओ एंड अपन इससे लेते हैं अपना कैमरा। चलो कैश दे देते हैं इसको, $300। लेट्स गो, स्पाई कैमरा अपने पास आ चुका है भाई, थैंक यू। एंड किसी को बोलना नहीं, ठीक है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। हेलो अंकल, क्या हुआ? ओके तो अंकल का वेडिंग रिंग चुरा लिया है किसी ने एंड इनको, इन तीनों लोग पे शक है, ब्रूस, डोनाल्ड एंड रॉबर्ट पे, तो वेडिंग रिंग वापस देनी पड़ेगी, आई मीन वापस दिलवानी पड़ेगी। क्या हो रहा है भाई इधर? हेलो, इसको इसको रिमांड पे लो, एक मिनट, गलत अपने दबा दिया। हेलो अंकल, आपका पनिश करना पड़ेगा आपको, नो लीविंग द सेल। $100 का ब्राइब ले सकते हैं, कट द प्राइस। ओके ओके चलो, मे बी $75। चलो $75 का ब्राइब ले लिया अपन ने एंड अब सर को पनिशमेंट नहीं देंगे, ऐसा चलता है बिजनेस। अरे ये कौन मरा पड़ा है? बेचारे को कौन टपका गया? हाइड द कैमरा इन द फ्लावर इन द मॉर्ग, ऑल राइट। ये भी मर गया, ओ भाई। ओके चलो गाइज, अभी अपन सब एक्सपोज कर देंगे जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है, क्योंकि याद होगा हम मोर गए थे शुरू में, आई थिंक पिछले एपिसोड में या उसके पिछले वाले एपिसोड में, एंड अपने को वाइट पाउडर मिला था, आप समझिए कि क्या मतलब है उसका। तो अभी वही पकड़ना है हमको कि कौन ये वाइट पाउडर अपने प्रिजन में ला रहा है एंड उसको हम कानून के सामने पेश करेंगे। चलो इन लोग का काम इधर खत्म, अपन इनसे टूल वापस लेते हैं एंड अपन अपना सीक्रेट बिजनेस करने चलते हैं भाई। चलो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मोर की तरफ एंड अपने कैमरा को फ्लावर पॉट में या फिर फ्लावर्स के बीच में छुपा देंगे एंड पकड़ लेंगे उस कल्प्रिट को जो भी ये सब चीजें कर रहा है। ओके तो हम लोग मोर आ चुके हैं, यहाँ पे पॉट, फ्लावर पॉट ढूंढना पड़ेगा। ओ ये तो रहा सामने है। चलो वेट फॉर कैमरा टू रिकॉर्ड समथिंग सस्पिशियस, ऑल राइट ठीक है, अब बस वेट करना है अपने को कुछ दिन, पता नहीं कब क्या सस्पिशियस हो तो देखना पड़ेगा भाई। बट हमने कैमरा छुपा दिया है एंड अपना सीक्रेट बिजनेस यहाँ पे चालू होता है। मेरे को तो लगता है ना ये सारे करतूत वार्डन ही कर रहा होगा, आई मीन किसी और की हिम्मत ही नहीं है इतना करने की, तो मेरे को तो वार्डन का ही शक हो रहा है। बट हू नोस, कोई भी हो सकता है, प्रिजनर तो नहीं होगा, प्रिजनर तो जा नहीं सकता है मोर की तरफ, या फिर फेक मरने का नाटक करे ऐसा कुछ। ओ भाई आई थिंक बॉम्ब फिर से आ चुका है, आई थिंक बॉम्ब फिर से आ चुका है भाई, क्योंकि मेरे को आवाज आ रही है एंड इस बार भाई मैं मिस नहीं करना चाहता इसको, ये रहा वो। होपफुली गाइस इस बार अपन इसको क्रैक कर ले यार प्लीज। ओके चाबी, और चाबी होल में डालनी है। ओके अच्छा ये पजल है एक्चुअली में, ऑल राइट तो रीसेट कैसे करते हैं? ओह अपने को एक ही चांस मिलेगा, इसको इधर की तरफ करना है, इसको इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ। ओके
इसको नीचे की तरफ एंड ये मिल जाएगा। यस थैंक यू। ओके खुश उदास, बिल्ली कुत्ता, मेल फीमेल, आई मीन जो भी है वो साइन मेरे को नहीं पता है। नीचे ऊपर, ओके ग्रीन हो गया। ओके ठीक है, पानी आग, सूरज चांद, यस ओह यस फाइनली क्रैक कर दिया हमने कोड, यस ओ भाई खतरनाक था यार ये, अरे अपन ने कर दिया है। देखो मेरे को पिछली बार दिख नहीं रहा था, नहीं तो वो भी कर देता मैं। ये लो ये चेक हो चुका है, हमने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है, किसी को बताया भी नहीं कि बॉम्ब डिफ्यूज किया है। आई मीन कहीं ये सब सिचुएशन पे बॉम्ब स्क्वाड को नहीं बुलाते हैं है? अपन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खुद ही बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हैं, व्हाट? ओके तो गाइस जो हमने कैमरा छुपाया था उसकी अब रिकॉर्डिंग आ चुकी है, आई मीन अपने पास नहीं आई है, वहां जाके देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं एंड देखते हैं कि क्या आई है रिकॉर्डिंग में, आई मीन कौन आया है या फिर कौन क्या कर रहा है हरकतें। फाइनली इस सच से पर्दा हटेगा कि कौन व्हाइट पाउडर ला रहा है हमारे प्रिजन के अंदर एंड प्रिजन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स गो। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग टेप, होपफुली किसी को पता ना चला हो यार। टॉक टू मारियो ग्रिफिन, ओके सॉरी अपने को वैसे टेप दिखाया नहीं, क्या हुआ मैंने टेप देखा नहीं भाई, स्किप तो नहीं किया मैंने क्योंकि कोई बटन नहीं दबाया, बट ठीक है हम चलते हैं गाइस मारियो ग्रिफिन से बात करते हैं। ये दो बार आ चुका है मारियो ग्रिफिन का नाम, पता है क्यों? जो शुरू में एक बार बे लीफ मिला था एंड वो बे लीफ नहीं था, वो कोको लीफ था जिससे सब नशे में आ गए थे। ओके आई थिंक वर्कशॉप में मिलेगा ये, ऑल राइट चलो इससे चल के बात करते हैं। हाँ भैया किधर हो? ये रहा मारियो ग्रिफिन, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर वी हियर? अरे तुम बताओगे ना कि क्या हुआ? हाँ हमारे पास प्रूफ है कि आप ड्रग्स स्मगल कर रहे हो बॉडी बैग्स में। चलो जेल जाने के लिए रेडी हो जाओ, वीडियो भी है हमारे पास। यो पकड़े गए दिल किल मी एंड माय फैमिली। ओ बेचारे को धमका रहे हैं लगता है, बेचारे को धमका रहे हैं। Oh, the drugs are already in the morgue when I get them. तो इसको भी पता नहीं कि ड्रग्स कहाँ से आते हैं। Our warden is involved in this dirty business. देखा मैंने बोला था कि warden ही इसमें मिला हुआ है। भाई इसको बोनस मिलता है। यानी कि warden अपन बन जाएंगे अपन पे। उसको हटाने के बाद। Okay. उसको नहीं बताएंगे हम। अब भाई warden को confront करना पड़ेगा कि आप ये सब क्या कर रहे हो and I don't know कैसे करेंगे अपन। अपने पास लेकिन प्लान है। तो फाइनली हमें ये तो पता चल गया है कि ड्रग्स कहाँ से आ रहे थे एंड कौन उनको स्मगल कर रहा था। तो वार्डन मिला हुआ है अपना और ये मारियो ग्रिफिन मिला था, बट वो वार्डन के कहने पे कर रहा था तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो गाइज इस केस को हम सॉल्व करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम वार्डन को रंगे हाथों पकड़ ले ये सारा क्राइम करते हुए एंड जेल में भेज दें, फिर उसकी जॉब अपनी भाई। तो यही अपना अल्टीरियर मोटिव है, यही अपना प्लान है। अगर ये एपिसोड में मजा आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून। Son, where'd you find this?